देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बहुत सारे एसेट्स क्रिएट किए हुए हैं, जहां हमने टूरिस्ट्स के लिए कुछ फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं, जिसमें बहुत सारी जगहों पे हमारे जो है वे साइड फैसिलिटीज़ हैं, उसमें बहुत सारे कैफ्टेरियाज़ हैं। तो आज हमने यहां पे रिंजी पटन के पास जो हमारा कैफ्टेरिया पहले का बना हुआ था, इसमें काफ़ी रिनोवेशन रिपेयर्स की ज़रूरत थी, तो इसको बाकायदा तौर जो है डिपार्टमेंट ने रेनोवेट करवाया, और आज हमने देख यहाँ पे जो है इसको दोबारा से लॉन्च किया है, पब्लिक के लिए डेडिकेट किया है। मेरे साथ SDM साहब हैं, यहाँ के तहसीलदार साहब हैं, ये हमारे इंजीनियरिंग के लोग हैं, तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। ख़ासतौर से जब मैं यहाँ पे DC था, तो मेरी भी उस वक्त भी ख्वाहिश यही थी कि एक अच्छी वी साइड फैसिलिटी है। अगर आप देखेंगे पूरा कुपवाड़ा से लेकर के श्रीनगर तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जहाँ कोई हमारा टूरिस्ट हो या लोकल ट्रैवलर हो वो बैठे या कोई फैसिलिटी अवेल करे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने इसको आउटसोर्स पे दिया है वो इसको बेहतरीन तरीके पे चलाएंगे, हमारी भी उसको मॉनिटरिंग रहेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधा दे पाएँ, अच्छी सर्विसेज दे पाएँ, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। मुझे पूरी उम्मीद है उसमें डिपार्टमेंट भी उसको जो है वो सपोर्ट करेगा, हमारी यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें सपोर्ट करेगी उसको। लेकिन एक चीज़ का जो है वो हम उसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जिसमें डिपार्टमेंट भी पर्टिकुलर होगा कि क्वालिटी सर्विसेज और ख़ासतौर से सफाई सुथराई का वो खास ख्याल। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।